और एक सवाल ये कि आंतरिक सुरक्षा जो देश की है, जब हम बात आतंकवादी घटनाओं की जो हो रही थी, उसके मद्देनजर मोदी सरकार ने कैसा काम किया, इस पर आपका विश्लेषण? और धर्म के नाम पर जो है विभाजन करने की बात आप आरोप कर रहे हैं भाजपा पर, क्या आप दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में विभाजन नहीं कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि उनको ज्यादा दिया जाता है, वो कहते हैं कि जो गरीब राज्य है उनको दिया जा रहा है, आप इस तरीके से कैसे देख रहे हैं? तो क्या ये विभाजन आपकी तरफ से नहीं किया जा रहा है? सो मेरे तरफ से सीधा सीधा मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बार राजनीति में कुछ फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। बात साफ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रिशन, गुजरात तो वेल डेवलप्ड स्टेट है, क्यों हम बुलेट ट्रेन दिए, क्यों हम साबरमती रिवर फ्रंट दिए, क्यों गिफ्ट सिटी दिए, इसका मतलब जो कुर्सी में बैठा हुआ है वो सब सारे लेकर जा रहा है। अगर जो बैकवर्ड स्टेट्स को अगर कुछ देना है तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश, वो अलग बात है। तो यहां पर जो परमिशन तो छोड़ो, बजट रिलीज तो छोड़ो, सैंक्शन देने में भी ये लोग विपक्ष अधिकार है, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या उन लोगों को तकलीफ है? फाइनेंशियल बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, ओके आई विल एक्सेप्ट। वेयर एज इन पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वाई यू हैव नॉट गिवेन प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज टू साउथ? तो जहां पर उनको तकलीफ है वहां पर हम सवाल पूछेगा तो वो जय श्री राम बोलने वाले हैं। हर चीज के लिए उनका एक ही जवाब है, जय श्री राम। तो जय श्री राम इस देश में मोदी जी नहीं सिखाए, हमारे दादा परदादा से लेकर हजारों सालों से हमको पता है श्री राम, राम राज क्या है, कैसे चला है, सब कुछ हमें पता है। तो मोदी के लिए सब कुछ राजनीति है, सब कुछ चुनाव जीतने का ही है। इसीलिए मोदी का जो सोच है ये सोचधारा देश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए बिना मोदी बिना बीजेपी अभी देश का जरूरत है। आंतरिक सुरक्षा में मैं वही बात बोल रहा हूं ना, हर चीज के लिए वो जय श्री राम बोलने वाले हैं। तो वो मैं सीधा सीधा पुलवामा इंसिडेंट इज क्लासिक एग्जाम्पल, दे आर फेल्ड। आईबी क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है, पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है, पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है, क्यों होने दिए, देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है, क्यों आईबी रॉ ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप? तो वहां पर आपका फेल्यूर है ना, उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। तो आंतरिक सुरक्षा कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हम ऐसे वैसे देश को किसी के हाथ में छोड़ने के लिए हम लोग राजी नहीं है।